श्रावण मास की तीसरी सोमवारी को लेकर आज सुबह से ही देश भर के शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक एवं दर्शन के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटती रही। इसको लेकर भागलपुर के बुढ़ानाथ स्थित वीरदेश्वर नाथ मंदिर, नाथनगर मनस्कामना नाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, आदमपुर शिव शक्ति मंदिर समेत तमाम शिवालयों और मंदिरों में विशेषकर सोमवारी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने महादेव भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी समेत कई देवी देवताओं की पूजा की। इस दौरान अपनी मनोकामना को लेकर बुढ़ानाथ समेत कई मंदिरों में भक्तों ने हर हर महादेव और बोलबम का जयकारा लगाते हुए कतारबद्ध होकर भोलेनाथ को जलाभिषेक किए। वहीं सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, जबकि धार्मिक मान्यता है कि सावन की सोमवारी पर भोलेनाथ को जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने से शिव भक्तों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ उनके मन की मुराद भी पूरी होती है। एक ओर जहां मंदिरों में श्रद्धालुओं की शिव भक्ति और उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रशासनिक स्तर से भी सावन की सोमवारी पर जुटने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर और आसपास में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें कि अहले सुबह ही सुल्तानगंज समेत विभिन्न गंगा घाटों से जल लेकर शहर के मंदिरों में पहुंचने वाले शिव भक्तों ने जयकारा लगाते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, जबकि मंदिर प्रबंधन की ओर से भी शिव भक्तों की आस्था को देखते हुए कई इंतजाम किए गए। इसके अलावा सभी शिवालयों में बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार भी किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज मैं तीसरी सोमवारी को निशु पांडे अपने पति के साथ आई हूँ। हमको यहाँ का बहुत अच्छा नाम सुनी थी भूतनाथ मंदिर के बारे में, हमको यहाँ का कार्य बहुत अच्छा लगा, पूजा करके मन प्रसन्न हो गया। यहाँ का व्यवस्था देखकर और यहाँ का वातावरण देखकर मन शांत है, लग रहा है कि हाँ यहाँ पे दिन भर बिताए तब भी बहुत अच्छा लगेगा। भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे और सारे सदस्य और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं, भगवान उनकी रक्षा करें, उनकी सद्बुद्धि दें। देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और कोरोना काल में मंदिर को बंद कर दिया गया था, जिसमें बहुत लोगों को आने जाने में भी दिक्कत थी कोरोना के वजह से। और कोरोना काल में पहला वर्ष है जिसमें श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे भी भूतनाथ मंदिर को धाम के रूप में माना गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने से और अंदर से बहुत सुकून मिलता है। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर अजगैवीनाथ मंदिर में बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों से आए कांवरियों ने भोलेनाथ का उत्तरवाहिनी गंगा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इससे पूर्व शिव भक्तों ने अजगैवीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अजगैवीनाथ की पूजा की, जबकि हजारों की संख्या में कांवरियां मंदिर में जल चढ़ाने के बाद भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए देवघर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर और कांवरिया मार्ग शिव भक्तों द्वारा लगाए जा रहे बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा, जबकि इसके अलावा आसपास का सभी शहरी और ग्रामीण इलाका भी भगवान शिव और सावन के रंग में रंगा दिखा। वहीं इसको लेकर शिव भक्तों ने कहा कि सावन महीने में बाबा भोलेनाथ और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अलावा श्रावणी मेला और सोमवारी को लेकर देवघर जाने वाले बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया, जहां देशभक्ति के जज्बे के साथ बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय का जयकारा लगाते दिखे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर सुरक्षा के लिए SDRF टीम और पुरुष एवं महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है, जबकि नगर परिषद द्वारा गंगा घाट सहित मेला क्षेत्रों में साफ सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। पटना का मभीर स्थान का चित्र बना हुआ है मेरा कांवर में। बाबा को करीब करीब 21 साल से लगातार कांवर मेरा जा रहा है। बाबा सब पूरा करते हैं, सब पूरा करते हैं। काय खड़ा है वहां, क्या गंगा जल सब पूजा करें, क्या कर रहे हैं? गंगा जल पतित है, बोलबम पूरा सोमवार का बहुत तीसरा सोमवारी है। यहाँ आके बहुत हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बाबा मनोकामना पूरा करते हैं। हम लोग प्रत्येक साल आते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बंदी का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है।
एक तरफ जहां स्थायी कुलपति की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ टीएमबीयू शिक्षक संघ ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 12 दिनों की तालाबंदी के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के आश्वासन पर छात्र राजद ने आंदोलन स्थगित कर दिया। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कॉलेज कर्मियों से समझौता कर उनकी हड़ताल समाप्त करवा दी, लेकिन अब एबीपी और टीएमबीयू शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। जानकारों की माने तो विश्वविद्यालय फिर से बंद हो सकता है। इधर यूनिवर्सिटी के अराजक स्थिति के विरोध में भूस्टा एवं भूटा ने विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के खिलाफ शिक्षक संघ ने पीजी कैंपस स्थित दिनकर परिसर से आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान शिक्षकों ने प्रभारी कुलपति भगाओ विश्वविद्यालय बचाओ का नारा भी लगाया। भूस्टा के अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन राय ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति के नहीं रहने के कारण हम लोग 8 महीने से परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने संघ को बार बार झूठा आश्वासन दिया। प्रोफेसर डीएन राय ने प्रभारी कुलपति से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं भूस्टा के महासचिव प्रोफेसर जगघर मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का अंबार लगा है, लेकिन प्रभारी कुलपति को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर टीएमबीयू में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं की जाएगी तो 16 अगस्त से आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रोफेसर जगघर मंडल ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति के नहीं रहने के कारण अराजकता का माहौल है। उन्होंने बताया कि राजभवन से टीएमबीयू में स्थायी कुलपति की मांग की गई है, साथ ही कहा कि 15 अगस्त तक टीएमबीयू को स्थायी कुलपति नहीं मिलेगा तो भूस्टा एवं भूटा के तत्वावधान में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हम लोगों की मुख्य मांगे हैं जो छात्र की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों की समस्या से जुड़ा हुआ है, विश्वविद्यालय के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विगत 8 महीने से हमारे प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे इस विश्वविद्यालय में पैर नहीं रखे, जिसके चलते छात्रों की अंबार समस्याएं हैं। छात्रों की हजारों डिग्रियां बिना दस्तखत के पड़ी हुई हैं। छात्रों को जगह जगह नौकरी लगी है, उन्हें डिग्री के अभाव में वो नौकरी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। छात्रों की परीक्षा समय पर नहीं हो पाती है, उनका परिणाम समय पर नहीं आता है, शोधार्थी का डिग्री नहीं मिल पाता है, जो पीएचडी कर लिए हैं उनका वाइवा नहीं हो पा रहा है, शिक्षकों का सेवा, शिक्षकों की सेवा कंफर्म नहीं हो पा रही है, शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है, कर्मचारियों का जो है सेवा संतुष्ट होना है और राज्य सरकार के पास जाना है ये कार्य नहीं हो पा रहा है, हमारे नवनियुक्त शिक्षकों की भी अपार समस्याएं हैं, एक भी काम विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है, सारा प्रशासनिक कार्य ठप है। राय अध्यक्ष भूस्टा, हम लोग 8 महीने से प्रताड़ित हैं, विश्वविद्यालय में अराजकता फैला हुआ है और जितने भी पदाधिकारी हैं वे सभी निकम्मे हैं और हमारे कुलपति जो हैं वे 8 महीने से भागलपुर नहीं आ रहे, वे प्रभारी कुलपति हैं, उसके कारण शिक्षकों का, कर्मचारियों का, छात्रों का काम नहीं हो रहा है। आप यह पूछ सकते हैं कि 8 महीने से आप लोग क्या कर रहे हैं। 8 महीने से कुलपति बार बार कहते थे शिक्षक संघ को 2 दिन में 4 दिन में आ रहे हैं, झूठा आश्वासन दे देकर हम लोगों को मजबूर किया कि आज हम सभी शिक्षक सड़क पर निकल पड़े हैं और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, ये जो यहाँ पर अराजकता फैली हुई है इसके खिलाफ या अराजक स्थिति फैलाने में एक आदमी का ही हाथ है, उसका नाम है प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे जी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। देश में प्रत्येक
वर्ष 1 अगस्त ओरल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल यह दिवस मुंह के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इधर ओरल हाइजीन डे पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर की ओर से मोदी नगर मध्य विद्यालय में अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दंत चिकित्सकों ने बच्चों को ओरल हाइजीन की जानकारी दी। मौके पर डॉक्टर वसंत प्रसाद ने बताया कि सोने के पहले और सुबह उठने के बाद ब्रश करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बच्चों को चॉकलेट बिस्किट कम खाने की बात कही। डॉक्टर साकेत बिहारी शरण ने बच्चों को ब्रश करने के तरीके सिखाए। डॉक्टर एसपी शरण ने कहा कि ओरल हाइजीन बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि दांतों को ब्रश से साफ करते समय ध्यान रखें कि ब्रश मुलायम हो। साथ ही जानकारी दी कि मसूड़ों पर ज्यादा दबाव न डालते हुए ब्रश को मुंह में 45 डिग्री एंगल पर घुमाएं। जागरूकता शिविर में डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि मुख पूरे शरीर का आईना है। उन्होंने बच्चों को दांतों को साफ रखने के तरीके बताते हुए गंदगी से होने वाली बीमारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर पायरिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने कहा कि रोजाना दांतों की सफाई से प्लाक कैविटी समेत कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो शरीर भी सेहतमंद रहेगा। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने आईडीए द्वारा लगाए गए शिविर की सराहना की। मौके पर कई डॉक्टर्स और फार्मा कर्मी मौजूद थे। ओरल हाइजीन डे के उपलक्ष्य पर एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन के द्वारा जो कैंप शिविर किया गया, बहुत अच्छा शिविर रहा। इसमें हम लोगों ने बच्चों को बताया कि ओरल मुख जो होता है वो शरीर का एक आईना होता है। जैसे देश में अभी सफाई अभियान चली जा रही है, उसी तरह आज का मकसद यही है कि मुख्य स्वास्थ्य आपका सुरक्षित रहे और सुंदर रहे। जब भी आप मुस्कुराएं तो मुस्कुराएं अच्छे दांतों से, जिसमें स्माइल अच्छा हो। और लोगों को बताया गया कि दो बार ब्रश करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है उसके बारे में बताया गया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभांकर कुमार। हम मध्य विद्यालय मोदी नगर में हैं और यहाँ के बच्चों को हमने अवेयर किया, जागरूक किया विश्व ओरल हाइजीन डे पर कि कैसे मुंह और दांतों की साफ़ सफाई अच्छे से रखें। और इन्हें बताया गया कि ब्रश कैसे करना है, खाने के बाद कैसे साफ़ सफाई रखना है, और इन्हें मौखिक स्वास्थ्य से रिलेटेड पूरे शरीर के स्वास्थ्य की जानकारी दी। जिक्र ए शहदा ए करबला की महफिलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर हुसैनपुर स्थित गौसिया मस्जिद में नौजवान कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजरत मुकर्रम हाफिज गुलजार समेत कई उलेमाओं ने मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर दसवीं यानी आशूरा की घटना पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं शहदाए जिक्र सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। वार्ड नंबर 40 के समाजसेवी वसीम खान उर्फ लल्लू ने बताया कि शहर की एक दर्जन से ज्यादा मस्जिदों और हजारों घरों में करबला की दास्तान सुनी और सुनाई जा रही है। वसीम खान ने कहा कि करबला में इमाम हुसैन शहीद तो हो गए, लेकिन दुनिया को सब्र और इंसानियत का पैगाम दे गए।